हेलो गाइस, मैं हूँ समीर। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। आज हम स्टडी करने वाले हैं कैसेट एसी के वायरिंग को, कि हम कैसेट एसी में किस तरह से वायरिंग करते हैं, जो कि एक थ्री फेस कैसेट एसी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको जो इसकी वायरिंग है वो पूरे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एसी है, ये एक कैसेट एसी का डायग्राम है, जिसमें कि हम समझ सकते हैं कि अगर कैसेट एसी में हमें डायग्राम देखकर वायरिंग करने की ज़रूरत पड़े तो हम किस तरह से उसमें वायरिंग कर सकते हैं। जिसमें के दो कंडेंसर मोटर, ये एक कंडेंसर मोटर है, ये एक कंडेंसर मोटर है, एक कंप्रेसर, कॉन्टैक्टर, टाइम डिले स्विच, एलपी स्विच और एचपी स्विच, और यहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक है, और ये क्रैंकेस हीटर, जो कि सारे पार्ट्स का नाम इस जगह पर लिखा हुआ है। सीसी कंप्रेसर कॉन्टैक्टर, CCH क्रैंकेस हीटर, COMP कंप्रेसर, FC फैन मोटर कैपेसिटर, फैन मोटर, हाई प्रेशर स्विच, टर्मिनल ब्लॉक 230 वोल्ट, ये इंडोर के लिए है, टर्मिनल ब्लॉक 460 वोल्ट आउटडोर के लिए है, लो प्रेशर स्विच, न्यूट्रल ऑप्शन, TDS टाइम डिले स्विच, फोर वे वाल्व, जिस जो कि ये जो AC है इसमें फोर वे वाल्व नहीं है, क्योंकि इसमें हीटिंग मोड नहीं है। फोर वे वाल्व उसमें होता है जिसमें हीटिंग का सिस्टम भी होता है, मतलब हीट मोड का सिस्टम भी होता है जो एसी में, उसमें फोर वे बल्ब होता है, जिसकी वीडियो मैंने पहले बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फोर वे बल्ब क्या है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं अभी इस वायरिंग का, जो कि कैसेट एसी का डायग्राम है। तो इस जगह पे ये थ्री फेज डायग्राम है, तो यहाँ पे है लाइन वन, लाइन टू और लाइन थ्री। किसी भी थ्री फेज में सबसे पहले यही चीज़ होता है, मेन लाइन। हम मेन लाइन से हमेशा स्टार्ट करेंगे किसी भी वायरिंग को। अगर आप डायग्राम को समझना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करें इसके मेन पावर से, लाइन वन, लाइन टू और लाइन थ्री। ये आकर इस टर्मिनल ब्लॉक पे इन होता है, लाइन वन पे, लाइन टू पे और लाइन थ्री पे। ये थ्री फेस डायरेक्ट इस जगह पे आकर इस कॉन्टैक्टर पे जाता है, और कॉन्टैक्टर से आउट होने के बाद ये चला गया कंप्रेसर में। अगर यहाँ पे कंडेंसर मोटर भी थ्री फेस होता तो इस जगह से ये थ्री फेस डायरेक्ट कंडेंसर मोटर पे भी चला जाता, पर ये जो कंडेंसर मोटर है ये सिंगल फेस है, इसलिए इसमें पावर इस जगह से नहीं जाएगा। यहाँ पे जो आउटडोर है ये सिर्फ कंप्रेसर, इसमें थ्री फेस है, इसलिए यहाँ पे थ्री फेस पावर सप्लाई दिया गया है। तो ये थ्री फेस पावर सप्लाई कंप्रेसर पे चला गया। पहले हम देखते हैं कि इंडोर में पावर किस जगह से जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये अर्थ है, लाइन वन, लाइन टू न्यूट्रल, और ये कमांड वायर जो कि इंडोर से होकर आउटडोर में आता है। तो अभी लाइन वन और लाइन टू जो है, यहाँ पे लाइन वन पे हम इस लाइन वन से एक पावर लूप करेंगे, जो कि ये वायरिंग आपको साथ में नहीं मिलेगा, ये वायरिंग फील्ड वायरिंग जिसे कहते हैं, कि हमको बाहर से इसका फील्ड वायरिंग, देखिए यहाँ पे है फील्ड वायरिंग, ये फील्ड वायरिंग हमें बाहर से करना पड़ता है, जो कि इंडोर से हम लाइन वन से एक लाइन लेंगे और इस लाइन वन पे पावर सप्लाई दे देंगे। और जब हम फील्ड वायरिंग पे इस पे अर्थ, लाइन वन, लाइन टू और लाइन थ्री पावर सप्लाई देंगे, तो इस जगह पे हमें एक न्यूट्रल भी चाहिए होगा, जो न्यूट्रल हम इस जगह से न्यूट्रल लाकर हम डायरेक्ट लाइन टू पे इन करेंगे, जो कि हमें इस टर्मिनल पे न्यूट्रल का कोई काम नहीं है, ये हम डायरेक्ट लाइन टू पे लाएंगे, मतलब कि न्यूट्रल पे लाएंगे और न्यूट्रल पे न्यूट्रल पावर दे देंगे, और हमारे यहाँ पे लाइन पे, लाइन वन पे पावर इस जगह से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी 220 पावर सप्लाई हमें मिल गया इंडोर के लिए। यहाँ से हम 220 पावर सप्लाई इंडोर में भेज देंगे। इंडोर में भेजने के बाद जब हमारा एसी ऑफ रहेगा तो इस कमांड वायर पे कोई भी पावर सप्लाई नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि अभी एसी ऑफ है, पहले हम इसके वायरिंग को देख लेते हैं किस तरह से वायरिंग किया गया है, फिर हम बात करेंगे कि जब हम इंडोर को ऑन करेंगे तो यह आउटडोर किस तरह से स्टार्ट होगा। अभी इस लाइन से एक वायर हम इस क्रैंकेस हीटर को फेस दे दिए, और इस न्यूट्रल को अभी इसमें पूरे सर्किट पे सिर्फ न्यूट्रल जो है वो रन करेगा, फेस कहीं पे भी रन नहीं करेगा, फेस सिर्फ इस क्रैंकेस हीटर में पावर आएगा, क्योंकि जो क्रैंकेस हीटर होता है वो हमेशा ऑन होता है। अगर एसी ऑफ भी होगा तो ये क्रैंकेस हीटर हमेशा ऑन रहेगा। तो इस क्रैंकेस हीटर में लाइन यहाँ से डायरेक्ट मिल गया, और इस जगह से न्यूट्रल आकर ये डायरेक्ट ये न्यूट्रल इस जगह पर मिल गया, तो क्रैंकेस हीटर जो है ये हमेशा ऑन रहेगा। अब हम देखते हैं इसके बाकी डायग्राम को। न्यूट्रल लाइन इस जगह से आउट होगा,
आउट होने के बाद हमें यहाँ पे ये सिंगल फेस मोटर है, इसलिए हमें न्यूट्रल चाहिए और एक फेस चाहिए। अभी ये न्यूट्रल यहाँ से आउट होने के बाद ये कॉन्टेक्टर के कोयल A2 पे या फिर A1 पे आकर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे A1 A2 कोयल है कॉन्टेक्टर का। अभी ये न्यूट्रल आकर इसके कोयल पे कनेक्ट हो गया। एक कोयल का बात हम बाद में करेंगे। अभी ये न्यूट्रल आकर इस कोयल पे कनेक्ट होता है और यही न्यूट्रल फिर इस जगह से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद ये न्यूट्रल जाएगा कैपेसिटर में। ये न्यूट्रल चला गया ये जो कंडेंसर मोटर है इसके रनिंग वायर पे, और उसी पावर से ये चला गया इस कैपेसिटर पे। नॉर्मली आप जब इसको एसी में देखेंगे तो ये जो वायर आएगा न्यूट्रल, ये सीधे कैपेसिटर पे कनेक्ट होगा और कैपेसिटर के जिस जगह पे ये न्यूट्रल कनेक्ट होगा उसी जगह से एक वायर आउट होकर वो कंडेंसर मोटर के रनिंग पॉइंट पे जाएगा, और जो उसका सामने वाला जो पॉइंट होगा कैपेसिटर का उससे ये स्टार्टिंग वायर कंडेंसर मोटर पे जाएगा। तो इस तरह से इसके स्टार्टिंग और रनिंग पे पावर आएगा, जो इसका कॉमन पॉइंट है उस पर भी पावर नहीं आएगा। कॉमन पॉइंट पर पावर आएगा वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से आएगा। अभी इसी न्यूट्रल पॉइंट से एक वायर हम इधर लूप करेंगे। लूप करने के बाद ये वायर भी हम कैपेसिटर पे देंगे, जो पावर आएगा न्यूट्रल कैपेसिटर को स्टार्ट करने के लिए, और कैपेसिटर से वायर जो आउट होगा उसी सेम पॉइंट से वो जाएगा कंडेंसर मोटर के रनिंग पॉइंट पे। और कैपेसिटर के ठीक उसके सामने वाला जो पॉइंट होगा, जो पिक्चर अभी आप कैपेसिटर देख रहे हैं इस जगह पे, इस कैपेसिटर के सामने वाले पॉइंट से पावर जाएगा कंडेंसर मोटर के स्टार्टिंग पॉइंट को। अभी इस कंडेंसर मोटर के स्टार्टिंग और रनिंग दोनों जगह पे पावर मिल गया इस न्यूट्रल से, और इस कंडेंसर मोटर को भी स्टार्टिंग को और रनिंग को दोनों जगह पे पावर मिल गया इस न्यूट्रल पॉइंट से। अब बचता है एक फेस जो कि हमें कंडेंसर मोटर के कॉमन पॉइंट पे चाहिए। तो अभी इस पे भी कॉमन पॉइंट पे पावर नहीं है, इसमें भी कॉमन पॉइंट पे पावर नहीं है, दोनों कंडेंसर मोटर रन नहीं करेगा। उसके बाद ये जो कॉन्टेक्टर है इसके A1 पे पावर है, A2 पे पावर नहीं है, तो ये कॉन्टेक्टर भी ऑन नहीं होगा, जिससे कि ये कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं होगा। तो जब हम इंडोर ऑन करेंगे तो इंडोर से एक कंट्रोल पावर बाहर आएगा। ये जो न्यूट्रल है ये सभी जगह पे चला गया। अभी हमें इस जगह पे चाहिए फेस, क्योंकि न्यूट्रल तो हमें मिल चुका था, अब हम चाहिए फेस। तो ये जो फेस है लाइन वन, जब ये इंडोर पे जाएगा तो यही इंडोर के पीसी बोर्ड से होते हुए ये लाइन वन इस कंट्रोल पावर पे आके कंट्रोल से इस जगह से बाहर आएगा। बाहर आने के बाद जैसे ये कंट्रोल पावर इस जगह से बाहर आएगा, ये एक इस टर्मिनल पावर से, टर्मिनल जो बॉक्स है, इस टर्मिनल बॉक्स से होते हुए एक वायर डायरेक्ट इस जगह पे जाएगा, और जो कंडेंसर मोटर है इसके कॉमन पॉइंट पे डायरेक्ट पावर चला जाएगा कॉमन पे, और उसी वायर से लूप होकर यहाँ से एक वायर आउट हुआ, ये चला जाएगा दूसरे कंडेंसर मोटर के कॉमन पॉइंट पे। तो ये जो दोनों कंडेंसर मोटर है, ये दोनों कंडेंसर मोटर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद अभी यही जो कंट्रोल वायर है, जो कंट्रोल पावर है, जो इस जगह पे आया, वो इधर से आने के बाद वो जाएगा सीधे HP स्विच पे। कॉन्टेक्टर कोयल में हमें A1 पे पावर मिल चुका था न्यूट्रल से, अब हमें सिर्फ चाहिए था फेस। तो ये फेस है जो इस कंट्रोल पावर से इंडोर से होते हुए आएगा। ये पहले इन करेगा HP स्विच पे, HP स्विच से आउट होने के बाद LP स्विच पे, फिर LP स्विच से आउट होने के बाद टाइम डिले स्विच पे, और टाइम डिले स्विच से ऑन ये क्रॉस होने के बाद, पास करने के बाद, उसके बाद ये आएगा A2 कोयल पे। अगर इस बीच में फ्रियोन का कोई प्रॉब्लम हो, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, तो ये HP स्विच या फिर LP स्विच से पावर कट जाएगा और ये कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, सिर्फ कंडेंसर मोटर रन करेगा। तो कंडेंसर मोटर रन करेगा तो हमें AC में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कंप्रेसर का और कुछ भी, पर अगर कंप्रेसर लो प्रेशर या हाई प्रेशर पर रन करता है तो कंप्रेसर पर प्रॉब्लम आता है, जिस वजह से हम ये HP स्विच और LP स्विच और टाइम डिले स्विच हम यूज़ करते हैं कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए। अगर हम चाहते हैं कि जो ये फैन मोटर है, अगर ये भी कंप्रेसर के साथ साथ बंद हो जाए, मतलब कि ये स्टार्ट तो सेम टाइम पे होगा क्योंकि जो कंट्रोल पावर आ रहा है वो इस जगह से ही HP स्विच LP स्विच से होते हुए कंडक्टर पे जाकर कंप्रेसर को ऑन करेगा, और यही वायर इस जगह से होते हुए जाकर कंडेंसर मोटर को ऑन करेगा।
अगर हम चाहते हैं कि जब कंप्रेसर एचपी से या एलपी से ट्रिप हो जाए तो उस समय पे ये फ़ैन मोटर भी बंद हो जाए, तो ये जो फ़ैन मोटर पे जो पावर जा रहा है ये पावर को हम इस एचपी एलपी स्विच और टाइम डिले स्विच के इस पार से ले लेंगे, इस कॉन्ट्रेक्टर कोयल के ए टू पॉइंट से। तो क्या होगा कि ये तीनों चीज़ साथ में स्टार्ट होगा, और अगर कंप्रेसर में कुछ भी प्रॉब्लम आता है एचपी स्विच से, एलपी स्विच से या टाइम डिले स्विच से, और ये जब ये कॉन्ट्रेक्टर ऑफ होगा कंप्रेसर को ऑफ करने के लिए, उस समय पे ये कंडेंसर मोटर आपको, जो कंडेंसर मोटर है ये भी बंद हो जाएगा। पर इसका वायरिंग इसलिए इसको सेपरेट किया जाता है क्योंकि अगर कंप्रेसर में कभी भी प्रॉब्लम आए तो सिर्फ कंप्रेसर बंद हो जाए और कंडेंसर मोटर रनिंग रहे, ताकि आप देखकर ये समझ सकते हैं कि कंडेंसर मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंडेंसर मोटर रनिंग रहेगा, सिर्फ कंप्रेसर बंद हो जाएगा। एचपी स्विच ये कनेक्टेड होता है हाई साइड में, मतलब कि डिस्चार्ज लाइन में, एलपी स्विच कनेक्टेड होता है सक्शन लाइन पे, और ये टाइम डिले स्विच है एक रिले की तरह, जो कि 3 मिनट के बाद ये पावर आगे आउट करता है कॉन्ट्रेक्टर को स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही कॉन्ट्रेक्टर में फेस और न्यूट्रल दोनों मिलेगा, कॉन्ट्रेक्टर क्लोज हो जाएगा और जो पावर सप्लाई 3 फेस इस जगह पे इंतजार रहा था, वो 3 फेस पावर सप्लाई आउट होकर कंप्रेसर पे चला जाएगा, और जो आउटडोर है ये इस तरह से रन करेगा। जब रूम का टेम्परेचर जितने पे हम सेट करते हैं वो टेम्परेचर आ जाने के बाद, ये जो सी पे पावर आ रहा था कंट्रोल पावर, ये इंडोर से कट जाएगा और ये इस कंडेंसर मोटर को भी ऑफ कर देगा। इसका जो कॉमन पॉइंट है इसका पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा और कंडेंसर मोटर बंद हो जाएगा, और यही पावर जो कॉन्ट्रेक्टर कोयल पे आ रहा था फेस, वो इस जगह से ए टू पॉइंट पे पावर काटेगा और कॉन्ट्रेक्टर ओपन हो जाएगा, जिसके वजह से कंप्रेसर जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये था वायरिंग कि हम किस तरह से 3 फेस कैसे डेसी में वायरिंग करेंगे। अगर वीडियो समझने में कभी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।